अस्सलाम वालेकुम। बी एंड सी एफ की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रदा। आज की वीडियो में हम एम कैट के पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको हो सकता है किसी बुक में ना मिलें उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास पास पेपर्स एन टी एस के ही हैं जो कि खैरपुर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड हैं। मैं इसके साथ साथ आपको इससे रिलेटेड जो कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पूछे गए वो भी साथ साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फॉर अ पेग ब्लैक कोट बी इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट कोट स्मॉल बी, इफ टू पेग्स मेट एंड प्रोड्यूसेस 75% ऑफ स्प्रिंग विद ब्लैक कोट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि 75% ऑफ स्प्रिंग जो है वो ब्लैक कोट के साथ है एंड 25% ऑफ स्प्रिंग विद वाइट कोट, यानी कि 75% हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर आ रहा है और 25% हमारे पास फिनोटाइप में रिसेसिव करेक्टर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1 का, और हम सबको पता है कि 3:1 का रेशो जो है वो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर करवाया जाए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसमें तीन हमारे पास डोमिनेंट होंगे फिनोटिपिकली और एक जो होगा वो हमारे पास रिसेसिव फिनोटाइप को शो करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास डी होना चाहिए, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे ये ऑप्शन आई थिंक गलत लिखा गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ वन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर देन द पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स विच कुड अराइज बाय द म्योटिक डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल कंटेनिंग 10 क्रोमोजोम, और यहाँ पे एन की वैल्यूज जो है वो हमारे पास 5 है। देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। लेट सपोज आपके पास एक बंदे का जीनोटाइप दिया हुआ है जिसमें आपको 5 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को मैंने हाइब्रिड के फॉर्म में यानी कि हेटरोजाइगस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर हमारे पास सारे के सारे हेटरोजाइगोट सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर भी, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n। n यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 5 ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 की पावर 5, यानी कि 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16 एंड 16 to the 32। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 32। यहाँ पे 10 क्रोमोसोम्स हैं, एक यकीनन हमारे पास मदर से होगा और एक हमारे पास फादर से होगा, तो हमने मदर और फादर दोनों को हेटरोजाइगस के फॉर्म में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हेटरोजाइगस कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास एन की ही वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हैं, तो हमारे पास आंसर इसका कितना हो जाएगा 32। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो है हमारे पास द कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट फॉर द डीएनए। हमें बताना है मैसेंजर आरएनए का ट्रिपलेट किसके लिए, डीएनए ट्रिपलेट के लिए जो कि हमारे पास है GAT।
यहाँ पे मैसेंजर आयरन पूछा हुआ है। हमें पता है कि मैसेंजर आयरन में हमारे पास टी मौजूद नहीं होता, टी की जगह पे यूरासिल होता है। तो जिस जिस ऑप्शन में हमारे पास टी गिवन है तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें हमारे पास टी गिवन नहीं है, वो है हमारे पास सी यू ए। तो अगर हम देख भी लें तो जी की जगह पे हमारे पास सी है, ए की जगह पे यू है और टी की जगह पे ए है। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारे पास द कम्बिनेशन ऑफ डैश रिजल्ट्स इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हमें पता है क्लाइनफेल्टर जो है वो ट्राइजोमी है और इसमें जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास एक्स एक्स वाई। तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स एक्स वाई का एक ही ऑप्शन है, वो है हमारे पास ऑप्शन ए। बाकी हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा मशवरा है स्टूडेंट्स को कि वो पेडिग्री से रिलेटेड जो दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं पहले उनको ज़रूर देख लें। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। हमें पता है कि अगर कोई रिसेसिव करेक्टर हो तो वो यूजली अपेयर होता है हमारे पास उस वक्त, और उसके हमारे पास पेरेंट यूजली अफेक्टेड नहीं दिखाए जाते। तो इफ अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव नो अफेक्टेड पेरेंट देन यूजली द पेडिग्री वुड बी रिसेसिव। अगर ये पेडिग्री डोमिनेंट की होती तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई एक या फिर दोनों हमारे पास अफेक्टेड शो किए जाते हैं। चूँकि इनको हमारे पास अफेक्टेड शो नहीं किया गया और इस इंडिविजुअल को अफेक्टेड शो किया गया तो ये हमारे पास यकीनन रिसेसिव की पेडिग्री है। और रिसेसिव को यहाँ पे हमारे पास ब्लू आइज से रिप्रेजेंट किया गया तो ये हमारे पास यकीनन होमोजाइगस होगा। और इन दोनों के पास यकीनन एक रिसेसिव अलील मौजूद होगा। मैं रिसेसिव अलील को यूजली रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल आर से। तो इन दोनों के पास यकीनन एक स्मॉल आर होगा और दूसरा डोमिनेंट वाला होगा जो कि हमारे पास कैपिटल आर है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दोनों ट्विन्स हैं और इन ट्विन्स में एक अफेक्टेड है और एक अफेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास ये कभी भी आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं हो सकते। तो हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ताहिर एंड मरियम आर होमोजाइगस फॉर ब्राउन आइज। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये होमोजाइगस होते तो हमारे पास कभी भी जूही ब्लू आइज़ के साथ नहीं होती। जवेरिया एंड जूही आर आइडेंटिकल ट्विन्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स होते तो ये दोनों ही अफेक्टेड होते, एक अफेक्टेड है और एक अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये आइडेंटिकल ट्विन्स भी नहीं है। जूही इज़ हेट्रोजाइगस फॉर ब्लू आइज़, चूँकि रिसेसिव करेक्टर है और रिसेसिव करेक्टर उसी वक्त अपेयर होता है जब हमारे पास कंडीशन होमोजाइगस की होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। जूही इज़ होमोजाइगस फॉर ब्लू आइज़, हाँ ये जुमला हमारे पास सही है। लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। जवेरिया एंड साद आर होमोजाइगस फॉर ब्राउन आइज़। जवेरिया और साद को होमोजाइगस कहा गया है ब्राउन आइज़ के लिए। हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है कि इसके पास से कैपिटल आर आ रहा हो और इसके पास से स्मॉल आर आ रहा हो। तो हमारे पास जो ऑब्वियस सही है वो हमारे पास डी है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपको ये पांच क्वेश्चंस जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें भी हो सकता है पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हों और चैप्टर नंबर 7 और 6 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।